नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में सरल हुआ जमीन सर्वे, पुराने दस्तावेजों का डिजिटलीकरण जारी, 47 लाख परिवारों ने जमा किया दस्तावेज। किसानों के लिए डीएपी का आश्वासन, 15 दिसंबर तक डीएपी 100% मिलेगी, केंद्र पर डीएपी आपूर्ति का दबाव। नई रणनीति से ट्रैफिक नियमों की निगरानी, पटना पुलिस की छापेमारी अभियान, 84 अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध सामान बरामद। निजी आईटीआई में सुविधाओं की कमी, सरकार आईटीआई कॉलेजों की जांच शुरू करेगी, मानकों का पालन नहीं होने पर पंजीकरण होगा रद्द। 30 नवंबर से अभ्यास मैच खेलेगी भारतीय टीम, प्रधानमंत्री एकादश के खिलाफ होगा यह मैच, कैनबरा के मनुका ओवल में होगी 2 दिवसीय मैच। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 1 दिसंबर को नशा विरोधी जागरूकता फैलाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस मैराथन में बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल भी दौड़ेंगी। 4 श्रेणियों 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर में यह दौड़ होगी और इसका थीम रन फॉर नशा मुक्त बिहार है। कुल पुरस्कार राशि 50 लाख रुपए रखी गई है, जिसमें एक नई श्रेणी बिहार फास्टेस्ट जोड़ी की गई है। 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय धावक भी इसमें भाग लेंगे। रेस गांधी मैदान से शुरू होकर मरीन ड्राइव, दीघा और शिवपुरी तक जाएगी। रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर तक ऑनलाइन किया जा सकता है। इच्छुक धावक वेबसाइट www.biharmarathon.com पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिहार विधानसभा में आज किसानों को डीएपी की आपूर्ति पर चर्चा हुई। विधायक अजय कुमार ने डीएपी की कमी पर सवाल उठाया, जिस पर कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राज्य को 1,75,000 टन डीएपी की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में 1,34,000 टन उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अगले एक सप्ताह में 10,000 टन और आपूर्ति होगी और 15 दिसंबर तक राज्य को पूरी 100% डीएपी मिल जाएगी। कांग्रेस के शकील अहमद ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया, लेकिन मंत्री ने राज्य में आपूर्ति की स्थिति को संतोषजनक बताया। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि स्मार्ट मीटर से बिल अधिक आ रहे हैं, जिससे गरीबों को परेशानी हो रही है। विपक्ष ने इसे चीटर मीटर करार दिया। दूसरी ओर बीजेपी ने इसे कोई मुद्दा नहीं माना और कहा कि गरीबों को सब्सिडी रेट पर बिजली दी जा रही है। इस बीच मिथिला राज्य बनाने की मांग भी तेज हुई है, जिस पर बीजेपी ने राबड़ी देवी के बयान को वोट बैंक राजनीति करार दिया। वहीं बीते दिन विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पक्ष के हंगामे के कारण सदन का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो सका। 5 दिनों का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। बिहार सरकार ने जमीन सर्वे प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब लोगों को केवल खाता और प्लॉट नंबर के साथ आवेदन करना होगा और खतियान या अन्य दस्तावेज अनिवार्य नहीं होंगे। गैर मजरूआ जमीन का सर्वे सरकारी नाम पर किया जाएगा और दखल कब्जा वाली जमीन पर बेदखली की कार्रवाई फिलहाल नहीं होगी। पुराने दस्तावेजों की खराब स्थिति को देखते हुए 1796 से लेकर 1995 तक के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण जारी है। अब तक 47 लाख परिवारों ने दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं और 28 लाख लोगों ने दावे प्रस्तुत किए हैं। यह प्रक्रिया विवादों को सुलझाने में मदद करेगी। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में रसोइयों की बहाली के लिए नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत यदि नव चयनित रसोइया सह सहायक शिक्षित हो तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, वो लिया जाएगा। यदि नव चयनित होने वाले रसोइया सह सहायक शिक्षित नहीं हो तो जन्म प्रमाण पत्र लिया जाएगा। बिना इसके चयन नहीं किया जाना है। इससे पहले 60 साल की उम्र के बाद रसोइयों को उनके पद से हटाने का नियम था, लेकिन कई जिलों में उम्र संबंधी गड़बड़ियां सामने आई थी। इसके बाद विभाग ने यह सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। मध्याह्न भोजन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के बीच आयु वाले रसोइयों को चुना जाएगा। राज्यभर में अधिकांश प्राइवेट आईटीआई में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। कई संस्थानों में शिक्षक कम हैं, प्रयोगशाला सुविधाएं नहीं हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। छात्रों को प्राइवेट आईटीआई में मजबूरी से दाखिला लेना पड़ रहा है, जहां उनका शोषण होता है और उचित प्रशिक्षण नहीं मिलता। विभाग ने प्राइवेट आईटीआई की जाँच करने का निर्णय लिया है और अधिकारियों की टीम बनाई जाएगी। इसके बाद अब सरकार की ओर से तय मानदंडों के आधार पर निजी आईटीआई की जाँच की जाएगी। जो मानक पर खरा नहीं उतरेंगे उनका पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए कमेटी का भी गठन कर लिया गया है। भाकपा एमएलसी संजय कुमार सिंह ने विधान परिषद में कहा कि रैयतों को पुराने खतियान और नष्ट हो चुके हैं कागजों की वजह से
काफी परेशानी हो रही है। इसके जवाब में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि जमीन के कागज खराब होने या दीमक लगने पर भी रैयतों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए 15 प्रकार के कागजात मान्य किए गए हैं, यानी आपको 15 विकल्प दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 47 लाख परिवारों ने अपने कागजात विभाग को सौंपे हैं और अब तक 15 करोड़ पन्नों की स्कैनिंग की जा चुकी है। साथ ही सर्वे के सफल होने पर भाई भाई के विवादों का भी हल निकलेगा। मंत्री ने 72 घंटे में शिकायतों का निवारण करने और 15 करोड़ पन्नों की स्कैनिंग की जानकारी दी। पटना के ट्रैफिक के एसपी अपराजित लोहान ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एक नई रणनीति बनाई है। अब हर दिन अलग अलग प्रकार के ट्रैफिक उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को पुलिस स्टिकर के दुरुपयोग पर, मंगलवार को वीआईपी लाइट्स और हुटर पर, बुधवार को ई रिक्शा और ऑटो में ज्यादा सवारी पर, गुरुवार को बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र वाली गाड़ियों पर, शुक्रवार को ब्लैक फिल्म और बिना सीट बेल्ट वाले वाहनों पर और शनिवार को बाइकर्स गैंग पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ पटना पुलिस ने 84 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है और भारी मात्रा में अवैध सामान भी बरामद किए गए हैं। बिहार गृह विभाग ने 5 आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है। यातायात के अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार को असैनिक सुरक्षा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। डीआईजी अनसुईया रणसिंह साहू को आईजी में प्रोन्नति दी गई है और नागरिक सुरक्षा का आईजी बनाया गया है। पटना के विधि व्यवस्था एसपी विवेक कुमार को प्रोन्नति के बाद सीआईटी का डीआईजी बनाया गया है। एसडीआरएफ के समादेष्टा मोहम्मद फरोगुद्दीन को गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशाम सेवाएं का डीआईजी बनाया गया है। मृत्युंजय कुमार चौधरी को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का नया डीआईजी बनाया गया है। बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के तीसरे चरण के परिणाम का इंतजार कर रहे 40,000 अभ्यर्थियों को अभी तक रिजल्ट नहीं मिल सका है। इसका कारण शिक्षा विभाग से रोस्टर क्लियरेंस का ना मिलना है, जिससे बीपीएससी को परिणाम जारी करने में देरी हो रही है। हालांकि बीपीएससी सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि रोस्टर क्लियरेंस मिलने के 1 सप्ताह के भीतर ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इस बीच बीपीएससी 32वीं न्यायिक सेवा का रिजल्ट 1 या 2 दिनों में घोषित किया जाएगा। पटना सदर अनुमंडल की डीसीएलआर मैत्री सिंह पर आरोप है कि स्थानांतरण के बाद उन्होंने करीब 200 फाइलों का बैक डेट में निपटारा किया है। जांच में यह भी पाया गया है कि बिचौलियों के माध्यम से फाइलों का निपटारा किया जाता था। जांच कमेटी ने पाया कि कई भूमि विवाद फाइलें जैसे केस नंबर 5, 35, 42, 44, 53, 54, 62 तथा 2024-25 से संबंधित भूमि विवाद केस संख्या 10, 13 और 20 फाइल संख्या अभी भी गायब है। आरोप है कि पूर्व डीसीएलआर मैत्री सिंह ने नियमों का उल्लंघन किया और निजी वाहन से फाइलें लेकर चली गई। जांच कमेटी ने पूर्व डीसीएलआर मैत्री सिंह को इस मामले में दोषी मानते हुए कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। पटना से राजगीर तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है। वर्तमान में सालेपुर से राजगीर तक 2 लेन सड़क है, जिसे चौड़ा किया जाएगा और 4 लेन हाईवे का निर्माण किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग की ओर से जल्द ही इस कार्य का शिलान्यास होगा। सड़क का निर्माण नालंदा में कराया जा रहा है। यह पथ करौटा के समीप NH-30 के 224 किलोमीटर पथांश पर जुड़ेगा, जिसका खर्च 265 करोड़ रुपये है। इस हाईवे के निर्माण का उद्देश्य पटना से राजगीर के बीच यातायात को सुगम बनाना है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जिला और मंडल स्तर पर नई टीम तैयार कर रही है। 15 से 30 दिसंबर तक हर जिले को नया बीजेपी अध्यक्ष मिलेगा। बैठक में पार्टी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि 2 बार जिला अध्यक्ष रहे नेताओं को भी नई जिम्मेदारी दी जाएगी। बैठक में प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा ने चुनाव और संगठन विस्तार पर चर्चा की। 30 नवम्बर तक बूथ अध्यक्षों का गठन और 1 से 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। विधानसभा स्पीकर सदन में बिल पास करवा रहे थे, इसी दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने लगे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सुन लीजिए, गंभीर परिणाम हो जाएंगे। इसके बैठ जाइए, अव्यवस्था मत फैलाइए। इसके बाद उन्होंने मार्शल से कहा कि बाहर निकालो यहाँ से इन्हें। वहीं अब इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद विधायकों ने सरकार की आँख खोलने के लिए ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि जब
सब कोई कहीं जाकर बैठ सकता है तो हम लोग भी मंत्रियों की कुर्सी पर जाकर बैठ सकते हैं। तो आंख खोलने के लिए, सचेत करने के लिए विधायकों द्वारा ये किया गया है। आरजेडी एमएलए भाई वीरेंद्र भी सीएम नीतीश की कुर्सी के पास जाकर खड़े थे, बैठे नहीं थे, केवल सचेत करने के लिए गए। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि तीनों बागी विधायकों ने विधान परिषद का उल्लंघन किया है तो कार्रवाई क्यों नहीं होगी। सदन में कौन विधायक कहाँ बैठता है ये दल निर्धारित करती है और दल जहाँ बोलेगी विधायकों को वहाँ बैठना होगा। भारतीय क्रिकेट टीम ने पर्थ में पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हराया और सीरीज में मजबूत शुरुआत की। अब भारतीय टीम को 30 नवंबर से कैनबरा में प्रधानमंत्री एकादश के खिलाफ दो दिवसीय अभ्यास मैच खेलने का मौका मिलेगा, जो एडिलेड में गुलाबी गेंद टेस्ट से पहले तैयारी का अवसर होगा। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज स्कॉट बोलैंड और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के लिए यह मैच महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें फिटनेस बनाए रखनी है और एडिलेड टेस्ट में स्थान पक्का करना है। प्रधानमंत्री एकादश एक आमंत्रण क्रिकेट टीम है जिसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की ओर से कैनबरा के मनुका ओवल में आयोजित एक वार्षिक मैच के लिए विदेशी दौरे वाली टीम के विरुद्ध चुना जाता है। इस बार कोच टीम पेन की अगुवाई में यह दो दिवसीय गुलाबी गेंद मैच खेला जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है छोटू राजा, राजकिशोर, रवि कुमार, नौशाद रजा, रंजीत मिश्र, राम बाबूदास, अर्जुन राम, शानवी गुप्ता, सुरेश कुमार, बाबूलाल मरांजी, सुधीर कुमार और संजय गिरी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज के सवाल है, बिहार में जमीन सर्वे प्रक्रिया के बदलाव को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।